सो प्ले स्टोर में आ चुका हूँ। इधर मैं लिखता हूँ सिंपली BGMI। जैसा कि देख सकते हैं मैंने लिख दिया, मैंने सर्च भी कर दिया, लेकिन मुझको इधर कोई भी BGMI की गेम नहीं शो कर रही है। आपके साथ भी ऐसा होगा, जबकि अभी BGMI को इंडिया में ऑफिशियली अनबैन कर दिया है, ठीक है। अनबैन के बाद भी आपको प्ले स्टोर के ऊपर BGMI लिखने के बाद कुछ भी नहीं दिखा रहा है, जबकि आपको दिखाना चाहिए था। अगर प्ले अगर कुछ भी चेंज अनबैन या बैन होती है, अगर बैन होती है तो वो हटती है, अगर अनबैन होती है तो वो इंस्टेंटली आ जाती है, लेकिन BGMI में ऐसा हो रहा है कि अभी दिख नहीं रही है, ठीक है। इसके बेसिकली कुछ ऐसे रीज़न हो सकते हैं कि या तो अभी सर्वर ज़्यादा लोड है, बहुत ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं इंस्टेंटली, ठीक है, या अभी भी कुछ वर्क चल रहा होगा उनके बीच में अनबैनिंग से रिलेटेड। वैसे तो ऑफिशियली अनबैन हो ही चुका है, तो इसको अनबैन कैसे करना है, ठीक है। सॉरी अनबैन नहीं, अनबैन तो हुआ है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसको प्ले स्टोर में कैसे लाना है जिससे हमको प्ले स्टोर पे दिखने लग जाए, ठीक है, वही बताता हूँ आपको। वीडियो को लाइक करना यार, और आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बता देना। तो आपको इस टाइप से वेबसाइट के अंदर आना है, सबसे पहले BGMI लिखना, सिंपली करो, किसी भी ब्राउज़र के अंदर आप लिख सकते हो, लाइक क्रोम ब्राउज़र या जो भी आपके मोबाइल में ब्राउज़र है, आपको इधर क्लिक करना है गूगल प्ले के ऊपर। जैसे कि देख सकते हैं इधर वाइट स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। तो अभी अगर आपको यही वाली स्क्रीन दिखे तो आपको एक, मैं दूसरी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है जिस पे वाइट स्क्रीन वाले का सलूशन दिया कि ये स्क्रीन क्यों आ रही है, ठीक है। अगर आपका वो सोल्व हो जाता है, उसके बाद आप जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करते हो आपकी गेम ओपन हो जाएगी, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। और ये डायरेक्टली आप गूगल प्ले स्टोर से ही कर पाओगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, आप कहीं और से लिंक मैं दे रहा हूँ, वहाँ से जाइए वहाँ जाइए, जो डायरेक्ट बात है जैसा सोल्यूशन वैसे मैंने आपको 100% शेयर किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने डाउनलोड का ऑप्शन ला सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में BGMI का, जिसके वजह से आपको दिखने लग जाएगी। बस इतना सा, वीडियो में लाइक करना, फ्रेंड्स के शेयर करना, और आपको बताना यार दिक्कत कैसी लगी, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हुई या नहीं हुई। अगर सोल्व होगी तो कमेंट में यस का लिख देना और थैंक यू लिख देना।